हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका नोबेल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग देखेंगे कार्बोनिल कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़, जिसमें आप फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। हालांकि फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत कम पूछते हैं लोग, हाँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो केमिकल्स रिएक्शंस होती हैं वो थोड़ा सा कुछ बेहतरीन रिएक्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो उन रिएक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। हाँ, इससे पहले आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन बिल्कुल आराम से देख चुके हैं, आप उन सभी रिएक्शन को बिल्कुल आराम से रट लेना बालक लोग, ठीक है ना। तो अभी के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज बालक? जमीन जायदाद वाली नहीं, वो प्रॉपर्टीज नहीं है यहाँ पे। तो ये प्रॉपर्टीज हम लोग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, फिजिकल के बारे में बहुत कुछ खास बात नहीं है, बस केवल फार्मेलिन के बारे में ध्यान रखें, 40% एक्वस सॉल्यूशन के बारे में ध्यान रखें, और जो आपके जो एल्डिहाइड लोग होते हैं ये पंजेंट स्मेलिंग होते हैं। कैसे होते हैं? पंजेंट मतलब बेकार महकते हैं, पहली बात। हाँ, दूसरी बात, जो कीटोन लोग होते हैं वो स्वीट स्मेलिंग होते हैं। लोअर वाले जो होते हैं वो गैसेस भी हो सकते हैं। थोड़ा और बढ़ाओगे वेट तो वो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में भी आ सकता है, और ज्यादा कर दोगे वजन जैसे जैसे बढ़ेगा वो हो सकता है सॉलिड भी हो जाए। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ठीक ठाक होती है बालक लोग। ठीक ठाक में मतलब क्या होती है, देखो इसको हम थोड़ा सा लिख ही देते हैं। बीपी लोग पूछते हैं ना, तो बीपी आज बालक लोग देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ये उन लोगों के बीपी लिख रहे हैं जिनके मोलर मास आसपास हो, ठीक है ना। उनमें सबसे ज्यादा जो बीपी होगी कार्बोक्सिलिक एसिड की होगी। फिर आपकी एल्कोहल आएगी बालक लोग, ये मोटी मोटी बात बता रहे हैं, इससे आपके क्वेश्चंस निकल जाएंगे बालक लोग। इतना तो है कि क्वेश्चन निकल जाएगा एल्कोहल, फिर इसके बाद आपकी आएगी एल्डिहाइड। जैसे ये आ जाएंगे बालक, फिर इसके बाद आप देख लेना ईथर वगैरह। ईथर के बाद नंबर आ जाएगा आपका हाइड्रोकार्बन में एल्केन। बस आगे हमें कोई बात नहीं करनी है बालक। बॉइलिंग पॉइंट को थनांक के बारे में बात कर रहे हैं, ये मोटी मोटी बातें हैं बालक, इसको दिमाग में बैठा लेना, क्वेश्चन हो जाता है। बस आगे कोई बात नहीं करनी, बस हाँ यहां पर हमें बस लिखना है बालक सीधे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल रिएक्शंस को बस देखना है, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं बालक लोग, आइए देखा जाए। तो नंबर वन रिएक्शन कौन सी देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखेंगे या इसका ऑक्सीडेशन देखोगे या रिडक्शन देखोगे, जो बता दो वही काम धंधा शुरू कर दें। चलें देखें ध्यान से। पहले तो हम चाहते हैं बालक लोग कि इसका यही देखो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बालक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नाम से लग रहा होगा बालक कि न्यूक्लियोफाइल को हम लोग ऐड करेंगे। किसको ऐड करना है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का नाम तो भरपूर सुने होंगे आप लोग। न्यूक्लियोफाइल वो लोग होते हो बालक जो न्यूक्लियस से मोहब्बत करे, यानी कि न्यूक्लियस लवर होते, लवर प्रेमी प्रेमी। अब देखो न्यूक्लियस के पास में कोई इलेक्ट्रॉन फिलेक्ट्रॉन होता नहीं उसके अंदर, तो कहने का मतलब ये वो लोग हैं बालक जिनके पास में इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे और वो उस जगह पर जाकर अटैक करना चाहते, जुड़ना चाहते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी होती है। कोई बात नहीं बालक, आइए इधर आइए, ध्यान से बस देखते, क्या ये आपका वही है? देखें गौर से, देखो क्या ये वही है? वही मतलब क्या चीज भाई लोग? क्या वही कार्बोनिल है ये? हाँ है वही। आपसे पूछा जाए क्या ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, कहेंगे हाँ ये सिग्मा 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 के साथ है, पाई पाई पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तीन सिग्मा बॉन्ड है, जो भी है लोन पेयर तो बिल्कुल है नहीं बालक, उस लिहाज से ये sp2 हाइब्रिडाइज है। क्या ये प्लेनर होगा? बिल्कुल आराम से बोल दो हाँ प्लेनर होगा बालक। अगर प्लेनर है बालक तो इस न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं, जैसे ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा तो वो कहां से अटैक करने की कोशिश करेगा, ऊपर से कि नीचे से बालक? अगर ऐसे प्लेनर है तो सामने वाली चीज ऊपर से भी अटैक कर सकती है और नीचे से भी कर सकती है। तो जैसे ये यहां पर अच्छा देखो ये कहां अटैक करेगा, क्योंकि इसको चाहिए न्यूक्लियस वाला सेंटर, मतलब जहां इलेक्ट्रॉनों की कमियां हो। और आपको महसूस करना होगा कि ये कार्बन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव रही होगी
ये कहीं ना कहीं इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पोलराइज करेगी, यानी कि अट्रैक्ट करेगी बालक। तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जाकर जुड़ने की कोशिश कर रहा होगा? पॉजिटिव के पास ना, तो कार्बन पर पॉजिटिव की फीलिंग आ रही होगी, इसलिए इसको अपसाइड से भी और डाउन से भी अटैक हो सकता है, ये जरूर ध्यान रखें। जैसे यहां पर आ रहे होंगे, अप्रोच कर रहे होंगे बालक, ये बॉन्ड धीरे धीरे आराम से टूटने की कोशिश कर रहा होगा। ऐसा नहीं लग रहा है बालक कि ये कहीं ना कहीं पार्शियल प्लस बन रहा होगा और ये नेगेटिव बन रहा होगा, बात अलग है। पास आने के बाद पूरी तरह से वो बर्बाद हो जाएगा बालक, टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा? प्लस और माइनस में। ये जो धंधा हुआ है बालक, इस धंधे पर ध्यान दें आप, ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब यहां से देखें, ध्यान से आगे की कहानी स्टोरी को ध्यान दें, क्या ये न्यूक्लियोफाइल ऊपर से आकर आराम से जुड़ गया होगा? हम ये ऊपर से माने हैं, नीचे से भी ये काम धंधा हो सकता था। क्या ये इसको देखना, ऑक्सीजन पूरी तरह से अब नेगेटिव हो चुकी होगी, ये चलो नेगेटिव अपने पॉजिटिव के साथ में, ये लेकिन क्या नेगेटिव फील कर रही होगी ना यहां बैठे बैठे? इसको तलाश होगी बालक, इसके पास में एक्सेस में खूब इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। अब इसका अगर सामने अगर कोई एच प्लस मिल जाए, प्रोटॉन टाइप का मिल जाए बालक, ये आराम से उसको चिपका लेगी बालक। चिपकाने के बाद क्या आएगा उसको देखें, क्या बालक ये OH में बदल गई होगी? बिल्कुल आराम से बदल जाएगी बालक। ये टेट्राहेड्रल होगा क्या बालक? ये स्ट्रक्चर जो होगा, टेट्राहेड्रल का मतलब है कि ये sp3 हाइब्रिडाइज और टेट्राहेड्रल ही है। लो स्पेलिंग गड़बड़ हो गई भाई, लोग सुधार कर देते हैं। चले यहां तक अभी बताएं ये कैसा था बालक, ये प्लेनर था ना, तो प्लेनर से ये टेट्राहेड्रल जो देखे हैं थोड़े समय के लिए ये आपको मिला है इंटरमीडिएट के तौर पर मिला है बालक। अब हमें एक तो बात करना है, देखें कौन सी बात करनी है। अब देखो ये काम धंधा देखो रिएक्शन में तो चलेगा ही चलेगा, अब रिएक्शन थोड़ा सा देख भी लिया जाए एक दो का, तो लिखेंगे यहां पर बालक रिएक्शन विथ HCN का नाम सुने हैं बालक लोग, उसी के साथ रिएक्शन। हम साइनोहाइड्रिन बनाने के मूड में हैं ना, तो देखो कैसे बनेगी समझना है। आओ आओ देखते हैं बालक लोग, ये रही आपकी एल्डिहाइड या तो कीटोन होगी, ये रही आपकी HCN। हम दोनों काम एक झटके में करेंगे, उस झटके के लिए तैयार हो जाओ। देखो ध्यान से, ये ध्यान देना, ये HCN है हाइड्रोजन प्लस और साइनाइड माइनस, हाइड्रोसाइनिक एसिड या हाइड्रोजन साइनाइड कह लो बालक। तो क्या यहां पर आपको थोड़ा बहुत फीलिंग आ रही है कि ये जो कार्बन है अपने आप में न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर दौड़ते हुए कार्बन के पास जैसे ही आएगा, ये बॉन्ड कहीं ना कहीं पोलराइज हो रहा होगा बालक। ये ज्यादा नेगेटिव क्योंकि फील कर रही थी और ये थोड़ा सा पॉजिटिव थी, उस लिहाज से ये यहां पर जुड़ा होगा नेगेटिव पर, अपनी हाइड्रोजन इधर कहीं आ गई होगी। जैसे ही ये वहां आई होगी बालक, आप महसूस कर सकते हो ऐसा कुछ बन गया होगा डिजाइन। दुनिया इसको कहती है साइनोहाइड्रिन। कौन से हाइड्रिन? नाम सुनो, नाम साइनोहाइड्रिन बालक, बढ़िया सा नाम है। ये बनकर तैयार हो जाती है। अब इसको हमें देखना नहीं है, अभी इसको बिल्कुल नहीं देखना है। एक बात ध्यान से आप सुन लो बालक, क्या ये बताओगे कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर तैयार हुआ है HCN में H के हटने के बाद हुआ होगा ना? जब तक ये H हटेगा नहीं, ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट नहीं होगा बालक। तो क्या आपको उम्मीद है कि ये रिएक्शन जल्दी होनी चाहिए या स्लो होनी चाहिए बालक? ये हाइड्रोसाइनिक एसिड बालक है, अब ध्यान से सुनना यहां पर काम की बात, ये बहुत स्लो रिएक्शन होगी। इसकी अगर रिएक्शन कराएंगे ना, एकदम धीरे धीरे होगी बालक, ये एकदम धीरे धीरे होगी। हम चाहते कि एक झटके में एकदम हो जाए। तो बालक ये जो है ना, ध्यान देना ये क्यों, अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, क्या बढ़ाना चाहते हैं? स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हैं, रिएक्शन की रेट को बढ़ाना चाहते हैं, तो क्यों ना एक बना बनाया न्यूक्लियोफाइल हम लोग इस्तेमाल कर दे बालक। देखिए बना बनाया कैसे होगा वो बता रहे। जैसे मान लो कि ये आपकी कौन है HCN है, ये बहुत बढ़िया एसिड होती है, गड़बड़ होती है बालक लोग,
ये उतनी अच्छी एसिड नहीं होती है, तो ये एच प्लस उतने बढ़िया से निकलता भी नहीं है। और जब उतने अच्छे से नहीं निकलेगा, जैसे ही एच प्लस निकलेगा नहीं, तब तक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जनरेट नहीं होगा, और जब तक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जनरेट नहीं होगा, सामने दौड़ते हुए भी नहीं जा पाएगा। मतलब ये हुआ कि क्यों ना हम न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पैदा करें। देखो ये एसिड है इतना तो हमें लग रहा है, और एसिड को क्या पसंद है बालक? बेस पसंद है। तो एक बढ़िया सा हम बेस रख देंगे यहाँ, ध्यान सुनना। हम NaOH भी रख सकते हैं कुछ समय के लिए, आपको अगर अच्छा ना लगे तो आप दूसरा भी रख लो, लेकिन हम ये बेसिक मीडियम लगा दिए बालक, इनको पहले बेस में रख देते हैं कुछ समय के लिए। तो देखो ये धड़ाधड़ अपने आप में काम हो जाएगा। काम कैसे हुआ होगा बालक, ये ध्यान दें, ये H प्लस CN माइनस। तो बालक ये देखें, ये एसिड को बेस अगर पसंद है तो ये OH यहाँ का और सामने वाले की H प्लस, धीरे से निकल कर जल निकल गई होगी, उसको हमें बस केवल देखना है बालक। और साथ ही साथ ये CN माइनस तैयार हो गई है। क्या ये न्यूक्लियोफाइल है बालक? यही न्यूक्लियोफाइल है। देखो अभी के लिए क्या था ना कि यहाँ पर कोई मीडियम के तौर पर हम कुछ इस्तेमाल नहीं किए, तो ये मजबूरी में ये धीरे धीरे जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप बेस लगा दोगे तो इसके H प्लस को धड़ाम से बेस खा जाएगा, और जैसे ही खाएगा बालक ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जनरेट हो जाएगा और रिएक्शन और भी फास्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब आप बेसिक मीडियम में भी इस रिएक्शन को ले सकते हैं, आप डायरेक्ट भी करवा सकते हैं। बस वही डायरेक्ट करवाओगे थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि रिएक्शन एकदम बिल्कुल मन से तो नहीं होती है, तो आपको इंतजार करना होगा धीरे धीरे। हाँ टाइम कम है, आप बेसिक मीडियम इस्तेमाल कर, धड़ाधड़ न्यूक्लियोफाइल पैदा, धड़ाधड़ रिएक्शन होगी। अब चले देखें, साइनोएड्रिन तैयार हो गई है, इसको देखना नहीं है, एक स्टेप और आगे लेकर भी जाना है बालक लोग। अब इसकी हम करवाएंगे हाइड्रोलिसिस बालक। अब इसमें भी दो सवाल करते हैं कि हाइड्रोलिसिस हम कैसे करवा रहे हैं, कैसे का मतलब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं या इनकम्प्लीट। देखिए अगर कुछ नहीं बोल रहे हैं तो हम कंप्लीट मानकर चलेंगे बालक, और अगर वो बोले कि नहीं हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं तो पार्शियल के लिए तैयार रहेंगे H3O प्लस। देखना बालक, हाइड्रोलिसिस का दो सिस्टम, हाइड्रोलिसिस में हम लोग पार्शियल नीचे देखेंगे और कंप्लीट वाली ऊपर देखेंगे बालक, कंप्लीट। ठीक है, ध्यान देना है। अब चलो ध्यान से भाई, सो ये CN को देखना बस गौर से, CN में हमें ऐसा लग रहा है कि कार्बन तीन डंडी से जुड़ी होगी, यानी ट्रिपल बॉन्डेड होगी बालक। क्या अगर ये ट्रिपल बॉन्डेड है और इस पर हम हाइड्रोलिसिस करवाएं, पानी को तोड़ ताड़ कर जोड़ना है कुल मिला जुला कर, देखें देखना गौर से, एक झटके में होगा भाई लोग, बस तैयार रहे झटके के लिए। देखें ध्यान से, ये CN है, हम यहां का पोर्शन जूम कर रहे हैं, रुक जाओ हम इसको पहले ऊपर कर लेते भाई लोग। ए या अब देखना ध्यान से, देखना गौर से, ये CN है ना, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। जैसे हाइड्रोलिसिस में जब करवाएंगे तो H प्लस OH माइनस यही जुड़ेगी कुल मिला जुला कर, तो देखो इसको ना कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगी, तो पूरे कार्बन और नाइट्रोजन वाले बॉन्ड हम इसकी चर्चा कर रहे हैं बालक, इसके हम आगे सेट करेंगे। ये CN को हम जूम कर लिए यहां पर, तो क्या ये नाइट्रोजन अपने आप को ज्यादा नेगेटिव साबित कर रहा होगा, उस लिहाज से कार्बन को पॉजिटिव फीलिंग आई होगी, तो इसका क्या मतलब, ये पानी से क्या पकड़ना चाह रहा होगा, OH को ना, कितने OH को पकड़ना चाह रहा होगा बालक, मिला जुला कर 3 OH, क्योंकि 3+ पैदा हुई होगी, तो 3 OH जब लोगे तो एक ही कार्बन पर दो या दो से ज्यादा OH एक साथ नहीं रह सकती, जैसे कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती है, तो आप OH ये पानी निकाल लें। जैसे ये पानी निकली होगी, क्या ये COOH में फीलिंग आ रही है? देखो ध्यान से, सी है, ओ है, ओ है, एच है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस, इधर देखो ये पानी से क्या पकड़ रहा होगा हाइड्रोजन का, कितने हाइड्रोजन को, 3 ठो, क्या अमोनिया नजर आ रही होगी बनती हुई। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि आज इसको आप OH रहने दो, लेकिन इस सी को बदल दो COOH में, और साथ ही साथ अमोनिया गैस को उड़ा दो बालक। बन गई है ये कोई एसिड तैयार हुई है बालक, ये एसिड है और ये साइनोहाइड्रिन है, ये पूरा कंप्लीट मामला होगा। तब याद रखना, अगर क्वेश्चन में ये बात मेंशन है कि आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो, तब भी यही जवाब देना है, आप केवल हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं तब भी यही जवाब देना है। लेकिन अगर उसमें पूरे ढंग से, अगर पूरे मन से अगर पार्शियल वाली बात आ जाए, मतलब आधा अधूरा, यानी पूरे मन से हम हाइड्रोलिसिस नहीं करवा रहे, तब वाली केस में देखें कुछ ऐसा सीन बनेगा बालक। लो वो भी देख ही लो, यही देख लो बालक, ये सी है, ये एन है। इस केस में क्या होगा ना, ये दोनों जो पाई बांड है वही केवल हाइड्रोलाइज्ड होंगे,
केवल पाई बांट, उसमें क्या था, तीनों दो पाई के साथ में सिग्मा भी हुए थे, अगर कंप्लीट की बात करते, पार्शियल में केवल दो को हाथ लगाना और धीरे से तोड़ देना है बालक। क्या हमें ऐसा लग रहा है कि नाइट्रोजन पर नेगेटिव फीलिंग आई होगी और पॉजिटिव अपना कार्बन महसूस कर रहा है। अब देखें ये हाइड्रोलिसिस है यानी जल के साथ हुई है, तो जल से एच प्लस और ओ एच कहीं ना कहीं मौजूद रहे होंगे बालक, वो दौड़ते हुए अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे बालक। क्या ये ओ एच दौड़ता हुआ कितना आया होगा इस कार्बन के पास में, दो एच तो आ ही गए होंगे। क्या नाइट्रोजन किसको ढूंढ रहा है बालक, हाइड्रोजन को ना। ये देखें ध्यान से, ये सिग्मा बॉन्ड बना रहेगा, इसको हम तोड़ना नहीं है। क्या ये दो हाइड्रोजन को चिपकाने के बाद कुछ ऐसा फील कर रहा है, देखते जाना। हमें लग रहा है कि इस कार्बन पर दो ओएच आ गए इकट्ठे, ये एक साथ स्टेबल नहीं होने वाली है, तो क्या निकाली जाए, आओ जल निकाल दिया जाए बालक। जैसे तुम जल निकालोगे, क्या ये सामने प्रोडक्ट दिख रहा है बालक, रुक जाओ इधर हम देखो कर रहे हैं, क्या ये CO में बदल गया क्या भाई लोग, CO ये एक ऑक्सीजन होगी, लेकिन इधर हाइड्रोजन टूटा, इधर नीचे टूटा, टूटे टूटे को जोड़ोगे डबल हो जाएगा, वो आ गई NH2। ऐसा क्यों हमें लग रहा है कि एसिड की अमाइड तैयार हो रही है बालक, यही बनेगी भी, ठीक है ना। ऐसा हमें लग रहा है कि ये अमाइड बन गई है बालक लोग, तो आप जरूर ध्यान रखना, आप याद रखना कि अगर पार्शियल होएगी भाई लोग तो ये बदल जाती है, किस में बदल जाती है, CONH2 में बदल जाती है, मतलब अमाइड में बदलेगी, आपको इसमें अमोनिया नहीं मिलेगी बालक, ये ध्यान रखना है बस। आगे हमें कोई बात नहीं करनी, अब स्पीड या रिएक्शन की रेट भी बोल सकते हैं बालक, रिएक्शन रेट को इंक्रीज करना है, आप बिल्कुल बेसिक मीडियम में इस रिएक्शन को करवा सकते हैं। अब आइए बालक लोग एक छोटा सा एकदम ताजा क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद बात कर लिया जाए, देखना 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 गौर से देखना। ये एक एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल देखें ध्यान से, देखें हमारे पास ये कोई चीज है बालक, आप हमें खुद बताओ कि ये क्या चीज रही होगी, क्या इसको दुनिया एसिटाल्डिहाइड कहती है, वही है ना कि कुछ अलग है, चलो वही अच्छी बात है ये। अब हमारे पास वो है बालक, हम HCN को ही पकड़ रहे हैं, ठीक है ना, हमारे पास भरपूर टाइम, हम बैठ कर निहारेंगे बालक धीरे धीरे, अगर हमारे पास टाइम नहीं होती तो हम बेस के साथ इसको रिएक्ट करवाकर न्यूक्लियोफाइल जनरेट करते, जो कि उससे बेहतर ही होता, अटैक भी अच्छा खासा। अभी रिएक्शन के रेट के बारे में हर एक चीज बात करेंगे बालक, कि कौन से लोग ज्यादा बेहतर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, कौन से कम देते हैं, किस केस में घट जाती, कहां पर बढ़ जाती है, सारी बातें होंगी। बस अभी के लिए आप यहां आ जाएं, बस इसको कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस में तोड़ देना है, इस बॉन्ड को पोलराइज करवा लेना है, प्लस माइनस वाला सिस्टम पैदा कर लेना है, और उल्टा सीधा अपना लेकर पहुंच जाना है, जोड़ घटा देना है बालक, आपकी किस्मत वहीं पता चल जाएगी, जो होगा वो मिलेगा बालक। क्या ये CN जुड़ चुकी है बालक, क्या ये CN आ गई है, CN ऊपर देखें ओ रही होगी, लेकिन इधर H को ग्रहण करने के बाद कहीं न कहीं ये इसमें बदल गई होगी बालक, ये साइनोहाइड्रिन बनकर तैयार हुई है बालक, हमें बस देखना है, अब देखना, अब लाजवाब बात है, इस बात को ध्यान सुनना, इसकी हम कराने वाले हैं बालक हाइड्रोलिसिस। क्या करा रहे हैं हम लोग, हाइड्रोलिसिस, ये नहीं बता रहे हैं कैसी वाली करानी है, कंप्लीट करवानी है या पार्शियल, तो क्या मानकर चलेंगे हम लोग, पूरे मन से ही करवानी है बालक। क्या आपको पता है, इधर आ जाएं, देखें देख लें, ऊपर देख लें, एक नजर देख लें बालक, देखें अगर आप जब हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो आज के बाद ये याद रखना बालक कि CN डायरेक्ट COH में बदल जाएगी, CN किस में बदलना है, COH में। वो बात अलग है कि नाइट्रोजन अपनी अमोनिया बनकर निकलेगी, अमोनिया को तो उड़ा देना है बालक, बस केवल याद रखना CN वाली चीज COOH में बदल जाएगी। आओ यहां पर भी बदल दो बालक, क्या यहां पर ये पूरा माहौल वैसे ही रहेगा पहले जैसे था, देखना 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 देखना, क्या ये जो CH3 है ये CH है, OH तीनों आराम से बस देखेंगे बालक, तमाशा देखेंगे बालक, ये तीनों के तीनों बदल कौन रही होगी, ये कार्बन चेंज हो गई होगी COOH में, देख रहे हो बालक, ये कोई एसिड बनकर तैयार हुई है, इस एसिड को आप देखे होंगे बालक जरूर कहीं ना कहीं, या हो सकता है आप खाए पिए भी हों बालक। क्या ये काइरल है, काइरल, काइरल का मतलब क्या होता है बालक, कार्बन चारों अलग अलग, उसकी जो वैलेंसी अलग अलग लोगों या अलग अलग पॉइंट से अलग अलग एटम या मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होती है, काइरल बोलते हैं, हमें काइरल लग भी रहा है बालक,
वैसे तो दुनिया इसको लैक्टिक एसिड कहती है बालक, यही लैक्टिक एसिड है, नाम सुने तो होंगे ही, लैक्टिक एसिड। एक बात बता दो बालक, इसको हमें देखने का मन हो रहा है, ढूंढ रहे हैं, कहाँ ढूंढे हम इसको, ये बता सकते हैं क्या? दूध दही में मिल जाएगी क्या बालक? मिल जाएगी, मिल जाएगी बालक। लोग इसको मिल्क शुगर बोलते हैं या मिल्क एसिड बोलते हैं बालक? मिल्क एसिड बोलते हैं, दूध वाली एसिड, मिल्क एसिड। अच्छा, मिल्क शुगर बोल देंगे बालक तो आप लैक्टोज को ढूंढना, ठीक है ना, जो कि डाइसैकेराइड होगी, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर आपकी तैयार होगी वो। तो आज मिल्क एसिड तैयार हो गई है बालक, जो कि अपने आप में ऑप्टिकली एक्टिव भी होगी, ऑप्टिकल एसोमेरिज्म शो कर सकती है बालक लोग। तो हमें लगता है बालक ये बात जम गई हम लोगों की, आगे कोई बात नहीं करनी है। बस बालक लोग एक काम करते हैं भैया, अब बाजार बंद करते हैं, ठीक है ना? आप लोग आप मस्त अपना एंजॉय करें। हाँ, इस रिएक्शन को जरूर ध्यान रखना, साइनोहाइड्रिन बनी है उसकी हाइड्रोलिसिस वाली बात को भी विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना? और क्या कुछ पड़े हैं देख लें थोड़ा। तो एसिटाइल्डिहाइड के साथ में हो गई, बाकी लोगों के साथ में भी ऐसी होती है, बिल्कुल आपको बस आराम से जोड़ना होता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, रिएक्शन की रेट कई बार पूछते हैं कि हमें बढ़ाना है या फिर ये बेस क्यों बढ़ाए होंगे, जिससे कि आपका न्यूक्लियोफाइल जल्दी जनरेट हो जाए और वो आराम से जाकर वो रिएक्ट कर सके। और कुछ है क्या कहानी? बस बालक लोग, हाँ ये जरूर ध्यान रखना बॉइलिंग पॉइंट को लेकर, ठीक है ना? जनरल बातें हैं लेकिन लोग पूछते जरूर हैं, तो बस आगे में कोई बात भी नहीं करना है। अब हम लोग अगले लेक्चर में जब मिलेंगे तब बात करेंगे ढंग से, ठीक है? अभी के लिए बस इतना ही बालक लोग, तब तक चले आप लोग एंजॉय करें।